आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें, मोहब्बतें फिल्म ईयर 2000 में रिलीज हुई थी और फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के तौर पे साबित हुई थी, राइट। मैं मोहब्बतें फिल्म के ओपनिंग और एंडिंग क्रेडिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, एंड देन फिल्म के बाकी भी बहुत सारे विजुअल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा, राइट। सबसे पहली बात तो ये कि मोहब्बतें फिल्म में कुछ लीव्स यूज किए गए हैं, कुछ पत्ते यूज किए गए हैं। उन पत्तों को मेपल लीव्स कहा जाता है, मेपल नाम का कोई पेड़ होता है उसके वो पत्ते हैं, इसलिए उसको मेपल लीव्स कहा जाता है। कनाडा के फ्लैग में वो देखने को मिलता है, राइट। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी जस्ट गूगल किया है, तो ऐसा नहीं कि मुझे पता था उन पत्तों को क्या कहते हैं, बट उन पत्तों को मेपल लीव्स कहा जाता है क्योंकि वो मेपल के पेड़ पे उगते हैं, राइट। मेपल लीव्स फिल्म में सिंबॉलिकली यूज किए गए हैं, राइट। जब मोहब्बतें फिल्म शुरू होती है उसका अगर आप ओपनिंग क्रेडिट्स देखोगे वो ब्रेथ टेकिंग है, वो ब्रेथ टेकिंग है, राइट। 70 mm की स्क्रीन है बड़े पर्दे पे, अगर आपने फिल्म को देखा है थिएटर में देखा है या अगर आपने अपने लैपटॉप पे कभी फिल्म को देखा होगा, यू रियलाइज कि ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, राइट। रेक्टेंगुलर फ्रेम में उदय चोपड़ा की फोटो आती है ब्लैक एंड व्हाइट में, एंड देन बाकी जो पूरा फ्रेम है वो मेपल के पत्तों से घिरा जाता है, राइट। उदय चोपड़ा का फोटो रिप्लेस होता है, देन प्रीति झिंगियानी का फोटो आता है, और बाकी जो पूरा स्क्रीन है वो मेपल के पत्तों से घिर जाता है, राइट। उसके बाद किम शर्मा का फोटो आता है और बाकी जो पूरा स्क्रीन है वो मेपल की ट्री से मेपल के पत्तों से घिर जाता है, राइट। सेम गोज फॉर जुगल हंसराज, सेम गोज फॉर जिमी शेरगिल, सेम गोज फॉर शमिता शेट्टी, राइट। जिस वे में, और ये 6 लोगों की डेब्यू फिल्म थी, राइट। शमिता शेट्टी हो, चाहे प्रीति झंगियानी हो, चाहे किम शर्मा हो, चाहे जुगल हंसराज हो, चाहे जिमी शेरगिल हो, चाहे उदय चोपड़ा हो, ये इनकी डेब्यू फिल्म है और फिल्म में जो ओपनिंग क्रेडिट्स रोल होते हैं वो ब्रेथ टेकिंग है, ब्रेथ टेकिंग है। उस फिल्म को अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, अगर आप अपनी फिल्म को, इस फिल्म को अगर आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हो तो जो भी आपके लैपटॉप का रेक्टेंगुलर फ्रेम है, जब ओपनिंग क्रेडिट शुरू होते हैं तो यू विल रियलाइज कि उदय चोपड़ा का फोटो एक साइड ऑफ द स्क्रीन पे आ जाता है और बाकी जो पूरा साइड है स्क्रीन का वो मेपल के लीव से घिर जाता है, राइट। सेम गोज फॉर जुगल हंसराज, जुगल हंसराज का फोटो एक दूसरे साइड ऑफ स्क्रीन पे आ जाता है और बाकी जो पूरा साइड ऑफ द स्क्रीन है वो मेपल के लीव से घिरा जाता है, राइट। फिर हवा चलती है, देन किम शर्मा का फोटो आता है और बाकी पूरा साइड ऑफ द स्क्रीन आपका मेपल लीफ से घिरा जाता है, राइट। इट्स ब्रेथ टेकिंग, और ये आदित्य चोपड़ा का विजन है जो उस चीज को ब्रेथ टेकिंग बना देता है, राइट। आप देख के तो कह सकते हो यार कि इसको मैं भी कर लेता, यू नो, जब भी आप ऐसी कोई ब्रेथ टेकिंग चीज को देखते हो बहुत से लोगों को लगता है यार कि ये तो मैं भी कर लेता, बट द रियलिटी इज कि इस चीज को देख के करना नहीं है, इस चीज को कंसीव करना है एंड देन इस चीज को ट्रांसलेट करना है ऑन द बिग स्क्रीन, राइट। आदित्य चोपड़ा ने जब इस चीज को किया था उसके पहले ये कभी भी हिंदी सिनेमा में हुआ नहीं था। मे बी आदित्य चोपड़ा ने कहीं से यहां वहां से इस चीज को कॉपी किया हो, बट आई डोंट थिंक ये चीज कहीं से कॉपी हुई है। एटलीस्ट जितनी फिल्म मैंने देखी है उनमें मैंने कभी भी इतने डिफरेंट, इतने ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स, इतने ओरिजिनल ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स मैंने नहीं देखे, और मोहब्बतें फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स ब्रेथ टेकिंग है, जिसमें में हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, फोटो आती है ब्लैक एंड व्हाइट में, पूरा साइड ऑफ द स्क्रीन मेपल के लीव से घिरा जाता है, देन हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है, उसकी फोटो आती है एंड देन पूरा साइड ऑफ द स्क्रीन मेपल लीव से घिरा जाता है, दैट्स ब्रेथ टेकिंग। देख के आप बोल सकते हो कि इसको तो मैं भी कर लेता, बट द रियलिटी इसकी आदित्य चोपड़ा ने इस चीज को आंख बंद करके कंसीव किया था, देन उन्होंने आंख खोला था एंड देन उस चीज को उन्होंने स्क्रीन पर ट्रांसलेट किया है, और वो चीज देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है, राइट। जब मोहब्बतें फिल्म खत्म हो जाती है, जब फिल्म खत्म हो जाती है तो सारे लोगों की जोड़ियां बन जाती है, राइट। किम शर्मा और जुगल हंसराज की जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, प्रीति झिंगियानी और जिमी शेरगिल की जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, उदय शेट्टी और शमिता शेट्टी की जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, राइट। फिल्म के जो एंडिंग क्रेडिट्स हैं वहां पे किम शर्मा और जुगल हंसराज की फोटो आती है एंड देन पूरा साइड ऑफ द स्क्रीन आपका जो है वो मेपल लीफ से घिरा जाता है, देन उदय चोपड़ा और शमिता शेट्टी की फोटो आती है, पूरा साइड ऑफ द स्क्रीन आपका मेपल लीफ से घिरा जाता है, एंड देन जुगल हंसराज और किम शर्मा की फोटो आती है, पूरा साइड ऑफ द स्क्रीन आपका मेपल लीफ से घिरा जाता है। एंड सिंबलिज्म को देखो, जब फिल्म शुरू हुई थी सब लोग सिंगल थे तो सबकी सिंगुलर फोटो आती है, राइट। सिंगुलर फोटो सबकी आती है, सबकी सिंगल फोटो आती है, वो लोग अकेले उन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्स में हैं और बाकी पूरी साइड ऑफ द स्क्रीन आपकी मेपल लीफ से घिरा जाती है। लेकिन जब फिल्म कंप्लीट होती है तो सबकी प्रेम कहानियां कंप्लीट हो चुकी हैं, अब वो लोग यू नो एज अ कपल उस फोटो में है और बाकी पूरा साइड ऑफ द स्क्रीन आपका मेपल लीफ से घिरा जाता है, और ये चीज देखने में ब्रेथ टेकिंग है, ये चीज देखने में ब्रेथ टेकिंग है। और मोहब्बतें फिल्म में से बहुत से हाईलाइट्स हैं यार जो देखने में एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग है। अगर आप आदित्य चोपड़ा या अगर आप यश चोपड़ा की फिल्म देखोगे तो ये रियलाइज कि इसमें कुछ चीजें कॉमन होती है, राइट। वो वादियां होती हैं, वो बादल का गरजना होता है, वो बारिश के सीक्वेंसेस होते हैं, यू नो कलर पैलेट सर्टेन लेवल के यूज होते हैं, कॉस्ट्यूम्स जो हीरो का, कैरेक्टर एक्टर का, हीरोइन का यूज होता है वो सर्टेन लेवल के विजुअल्स होते हैं उसमें, यू नो प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी होती है उस सीन की, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा होता है, फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, फिल्म के गाने बहुत अच्छे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग हीरो या हीरोइन है उन लोगों की भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, और वो चीज इफेक्ट करती है, वो चीज ऑडियंस को बांध के रख देती है। आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें में ये है, आदित्य चोपड़ा की फिल्म में वादियां बहुत सारी हैं, यू नो आपको उसमें बहुत बादल गरजने का सीक्वेंस देखने को मिलेगा, बारिश देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत कॉस्ट्यूम सारे कैरेक्टर्स ने पहने हुए हैं, यू नो ग्रेट म्यूजिक है, ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर है, ग्रेट प्रोडक्शन वैल्यू है, सब कुछ ब्रेथ टेकिंग है, सब कुछ बहुत ज्यादा ब्रेथ टेकिंग है, राइट।
बहुत सारे ऐसे हाइलाइट्स है मोहब्बतें फिल्म में, राइट? सिर्फ ओपनिंग और एंडिंग क्रेडिट्स नहीं जो इतने ब्रेथ टेकिंग है, जो मैंने जैसे कि बताया, राइट? हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है, पूरा स्क्रीन आपका मेपल लीफ से घिरा जाता है, एंड फिल्म के एंड में वो कपल्स का इंट्रोडक्शन होता है, पूरा स्क्रीन आपका मेपल लीफ से घिरा जाता है, राइट? उसके अलावा भी बहुत से विजुअल्स अगर आप देखोगे, राइट? फिल्म में मंदिर है, फिल्म में दो मंदिर है, राइट? अमिताभ बच्चन जो गुरुकुल उनकी यूनिवर्सिटी है वहां पे एक मंदिर है, अमिताभ बच्चन एक कैरेक्टर का नाम है नारायण शंकर, शंकर नाम है अमिताभ बच्चन, शंकर भगवान के मंदिर में है पूरा मंदिर, पूरे मंदिर की जो टाइल्स है, पूरा मंदिर का जो बैकग्राउंड है, पूरा मंदिर का जिसे में कंस्ट्रक्शन है प्योर व्हाइट में, वो प्योर व्हाइट में, इवन शंकर भगवान की फोटो भी प्योर व्हाइट में है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में शायद ही कोई मंदिर होगा जहां पे शंकर भगवान की फोटो ऑल व्हाइट में होगी, लेकिन आदित्य चोपड़ा की फिल्म में शंकर भगवान की जो मंदिर है वो पूरा व्हाइट वे में है, मार्बल्स व्हाइट वे में है, मंदिर की बाउंड्रीज व्हाइट वे में है, शंकर भगवान की मूर्ति व्हाइट वे में है, और वो देखने में आपको ब्रेथ टेकिंग लगती है, वो चीज देखने में आपको ब्रेथ टेकिंग लगती है। सिमिलरली एक मंदिर है प्रीति जिंगयानी के घर में जहां पे अमरीश पुरी उनके ससुर का रोल प्ले करते हैं एंड शिफाली शाह उनकी भाभी का रोल प्ले करती है, वहां पे भी एक मंदिर है। शिफाली शाह का जब इंट्रोडक्शन होता है तो आई थिंक राधा और कृष्ण भगवान का मंदिर होता है, वो भी प्योर व्हाइट है, वो भी प्योर व्हाइट है, राधा जी की मूर्ति और कृष्ण भगवान की मूर्ति प्योर व्हाइट में है। ये जिसमें में दीपक जल रहा है, जिसमें में दिए जल रहे हैं, जिसमें में घंटी लगी हुई है, जिसमें में अमरीश पुरी ने अपना शॉल ओढ़ा हुआ है, कंप्लीटली ब्रेथ टेकिंग, राइट? एक सीक्वेंस है फिल्म में जहां पे उदय शेट्टी एक इलेक्ट्रीशियन बन के शमिता शेट्टी के हॉस्टल में आ जाते हैं, और सीन कुछ ऐसा है कि शमिता शेट्टी के हॉस्टल की लाइट गई हुई है और सारी लड़कियां बैठ के अंताक्षरी खेल रही है, लेकिन शमिता शेट्टी जो है वो एक लव वाली नॉवल पढ़ रही है और वो चश्मा लगाई हुई है। जब वो लव वाली नॉवल पढ़ रही है, चश्मा लगाई हुई है, तो सिचुएशन ऐसा है कि उदय चोपड़ा इलेक्ट्रीशियन बन के घुस गए हैं शमिता के हॉस्टल में, लाइट गई हुई है शमिता के हॉस्टल की, शमिता शेट्टी एक सर्टन वे में चश्मा लगाई हुई है, शमिता शेट्टी का जो हेयर स्टाइल है वो एक सर्टन वे का है, और जो कैंडल वो होल्ड कर रही है उसका जो लैंप है वो भी विजुअली बहुत अपीलिंग है, वो भी बहुत ही ज्यादा विजुअली अपीलिंग है, राइट? और ये सारी चीजें मैटर करती है। सेम सीन में जो शमिता शेट्टी का रूम दिखाया गया है वो एक बहुत ही ज्यादा लार्ज रूम है, और ऐसा दिखाया जाता है कि चार लड़कियां इस साइड एक सीक्वेंस ऑफ बेड्स पे रह रही हैं, चार लड़कियां इस साइड सीक्वेंस ऑफ बेड्स पे रह रही हैं, और इन चारों बेड्स के ऊपर टोटल आठ बेड्स हैं, चार इस साइड चार इस साइड, और हर बेड के ऊपर मच्छरदानी है, मॉस्किटो नेट है व्हाइट कलर का, और बहुत ही ज्यादा प्यारे वे में उसको ड्रेप किया गया है उस बेड के ऊपर, राइट? और ये सारी चीजें आपको आदित्य चोपड़ा की फिल्म में दिखाई देती है, राइट? एब्सोल्युटली स्टनिंग। जिमी शेरगिल आई थिंक अपनी हिस्ट्री में, फिल्मोग्राफी में किसी भी फिल्म में इतने खूबसूरत नहीं लगे होंगे जितने खूबसूरत जिमी शेरगिल इस फिल्म में लग रहे हैं, राइट? हर फ्रेम जिसमें जिमी शेरगिल है, जिमी शेरगिल इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग, जिमी शेरगिल इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। किम शर्मा जिस फिल्म में लग रही है, शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। किम शर्मा को थोड़ा सा टॉमबॉयश काइंड ऑफ कैरेक्टर दिया गया है तो वो टॉमबॉय के तौर पर फिल्म में ऑपरेट करती है, शी इज लुकिंग स्टनिंग। प्रीति झंगियानी थ्रू आउट द फिल्म सलवार कुर्ते में है, शी इज लुकिंग स्टनिंग। शमिता शेट्टी कंप्लीटली वेस्टर्न काइंड ऑफ गर्ल प्ले कर रही है, शी इज लुकिंग स्टनिंग, राइट? सेम गोज फॉर जुगल हंसराज, सेम गोज फॉर उदय चोपड़ा, राइट? हर कोई खूबसूरत लग रहा है फिल्म में। आई डोंट थिंक कि अपनी फिल्मोग्राफी में ये लोग कभी भी किसी भी फिल्म में उतनी खूबसूरत लगे होंगे जितनी वो लोग मोहब्बतें में लग रहे हैं, राइट? एंड ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। देयर इज अ सीक्वेंस इन द फिल्म, दिस सीक्वेंस इन द फिल्म जहां पे सौरभ शुक्ला जो किम शर्मा का फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके और किम शर्मा के बीच में एक बहुत खूबसूरत सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस ऐसे शुरू होता है, जुगल हंसराज और किम शर्मा किचन में है, वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, सौरभ शुक्ला आते हैं, सौरभ शुक्ला जो किम शर्मा के फादर है इन द फिल्म, वो गाना गा रहा है बॉबी फिल्म का, दे 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 दिल दे बदले में दिल के वगैरह वगैरह, राइट? वो जो फेमस गाना है, प्यार में सौदा नहीं, ये गाते हुए सौरभ शुक्ला बाहर आ रहे हैं। सौरभ शुक्ला ने बहुत ही फैंसी कपड़े पहने हुए हैं। किम शर्मा और सौरभ शुक्ला के बीच में थोड़ा सा तुतु मैमे होता है, थोड़ा सा नोकझोंक होता है, जन किम शर्मा सौरभ शुक्ला को डांट देती है, सौरभ शुक्ला को फैंसी कपड़े उतरवा देती है, सौरभ शुक्ला को सिंपल कपड़े पहनाती है जैसे सौरभ शुक्ला जी पूरे फिल्म में पहनते हैं, राइट? एंड देन किम शर्मा बॉबी फिल्म का एक और डायलॉग सौरभ शुक्ला को मारती है, और वो ये कहती है कि कोई तुमसे प्यार करे तो तुमसे करे, जैसे तुम हो वैसे करे, तुम्हें बदल के ना करे, क्योंकि साहिबा प्यार में सौदा नहीं, ये वाला डायलॉग किम शर्मा मानती है, राइट? नाउ जब ये सीक्वेंस शुरू हुआ था, सौरभ शुक्ला एंटर करते हैं फैंसी कपड़े पहन के, वो बॉबी फिल्म का एक फेमस गाना गा रहे हैं, दे 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 दिल दे बदले में दिल के प्यार में सौदा नहीं, राइट? किम शर्मा उनको डांटती है, किम शर्मा उनके फैंसी कपड़े उतारती है, देन किम शर्मा उनको सिंपल कपड़े उतारती है, और उससे उनका एक और डायलॉग बोलती है बॉबी फिल्म का अगेन, राइट? जहां पे वो कहती है कि साहिबा प्यार में सौदा नहीं, सौरभ शुक्ला बात आती है, एंड देन सौरभ शुक्ला उस सीन से निकल जाते हैं। देन जुगल हंसराज और किम शर्मा है, जुगल हंसराज किम शर्मा के लिए फिर से बॉबी फिल्म का एक गाना गाते हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, राइट? इससे में सीक्वेंस ड्रॉ आउट होता है, राइट? और ये वही फिल्म मेकर्स कर सकते हैं यार, जो फिल्म इंडस्ट्री में पले बड़े हैं, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, यार कोई नहीं कर सकता, यार कोई नहीं कर सकता। आप हमेशा सोच सकते हो यार कि इसको मैं भी कर दूंगा, यार ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, तो किया जा सकता है, इसमें ब्रेथ टेकिंग क्या है, बट ये ब्रेथ टेकिंग है। सौरभ शुक्ला का इंट्रोडक्शन, वो बॉबी फिल्म का एक गाना गा रहे हैं, दे 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 दिल दे बदले में दिल के प्यार में सौदा नहीं,
किम शर्मा उनको डांट देती हैं, उनके फैंसी कपड़े उतार के उनको सिंपल कपड़े पहनाती हैं। बॉबी फिल्म का एक और डायलॉग बोलती है कि साहेबा प्यार में सौदा नहीं, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, राइट। सौरभ शुक्ला उस सीन से निकल जाते हैं, देन जुगल हंसराज वहां पे किम शर्मा के बगल खड़े होते हैं, वो बॉबी फिल्म का एक और गाना गाते हैं, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, और उनके और किम शर्मा के बीच में थोड़ा सा यू नो वो नोकझोंक वाला सीक्वेंस है, राइट। ये चीज एक विजनरी फिल्म मेकर ही कर सकता है यार, एक सेकंड थर्ड जनरेशन पर्सन जो बिजनेस में वही कर सकता है, ये कोई भी रैंक आउटसाइडर नहीं कर सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई लड़का इस फिल्म सिचुएशन को देखे, फिल्म को देखे, इतने ब्रेथटेकिंग विजुअल्स को देखे और उसको लगे कि वो भी ये कर लेगा, नो वे, एब्सोल्युटली नो वे, इस चीज को नहीं किया जा सकता। ये आप तभी कर सकते हो जब या फिल्म इंडस्ट्री में पले बड़े हो और आपके पास वो कनेक्शंस रहे हैं जहां आपने आपको देख जहां पे आपने देखा है कि यार फिल्म्स को किस वे में ड्रॉ किया जाता है, ऑडियंस को किस सिचुएशन में कहां पे ड्रॉइंग कराया जाता है, किस वे में सिंबलिज्म को फिल्म में यूज होता है, रोमकॉम फिल्म में, तभी आप उसको कंसीव करके अपनी फिल्म में कर सकते हो। या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में धक्के खाए हुए हो और यू नो आप रंगीन मिजाज इंसान हो, आप पोएट काइंड ऑफ इंसान हो, पेंटर काइंड ऑफ इंसान हो, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एक और सीन है फिल्म में, राइट, जब पैरों में बंधन है जो ब्लॉकबस्टर गाना होता है, गाना ब्लॉकबस्टर है, जो छह लीड हीरो सॉरी छह नए लड़के नए लड़कियां हैं वो लोग पूरा गाना गाते हैं, गाने के बोल इतने मैजिकल है, गाने की बीट्स इतनी मैजिकल है, इतने नए लड़के लड़कियों ने उस गाने को गाया, राइट। ये चीज अगेन मोहब्बतें में है, जितने भी प्लेबैक सिंगर्स तीन लड़के तीन नए लड़के और तीन नई लड़कियों के लिए फिल्म में गाना गा रहे हैं वो सबके सब नए प्लेबैक सिंगर्स है, राइट, सबके सब नए प्लेबैक सिंगर्स हैं। देन उदित नारायण शाहरुख खान की वॉइस है, लता मंगेशकर ऐश्वर्या राय की वॉइस है, राइट। लेकिन जुगल हंसराज जिमी शेरगिल उदय चोपड़ा शमिता शेट्टी प्रीति जिंगयानी एंड किम शर्मा के लिए जो लोग गाना गा रहे हैं इन द फिल्म्स, राइट, वो सब नए लड़कियां, राइट, नए लड़के लड़कियां, राइट। पैरों में बंधन है गाना ड्राउट होता है, बहुत खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत बोल, बहुत खूबसूरत बीट, बहुत खूबसूरत में पिक्चराइज किया गया है। अमिताभ बच्चन की मर्सिडीज एंटर होती है, अमिताभ बच्चन अपने कार से उतरते हैं, अमिताभ बच्चन को देख के सब लोग डरे हुए हैं बिकॉज गुरुकुल के सारे छात्र हैं जो उस गाने को गा रहे थे वहां पर नाच रहे थे, राइट। अमिताभ बच्चन के पास अनुपम खेर आते हैं, अमिताभ बच्चन अनुपम खेर को ऐसे रोक देते हैं, राइट। देन अमिताभ बच्चन वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स द थ्री गाइज, राइट, जिमी शेरगिल उदय चोपड़ा एंड जुगल हंसराज, राइट, और तीनों लड़के डरे हुए अमिताभ बच्चन से, एंड एज एन ऑडियंस यू फील कि यार अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर शाहरुख खान पीछे से आ रहे हैं, वो ऐसा यू नो ढोल काइंड ऑफ चीज, एक बड़ा सा ढोल अपने शोल्डर से यहाँ पे डाले हुए हैं और वो उस ढोल को बजा रहे हैं, शाहरुख खान उदित नारायण की वॉइस में गाना गाते हैं, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें, एंड नारायण शंकर अमिताभ बच्चन वहां पे खड़े हैं और तीनों नए लड़के जो तीनों फिल्म के डेब्यूटेंट्स और तीनों फिल्म के डेब्यूटेंट्स उनको जोश आ जाता है और वो लोग फिर यू नो डांस करने लगते हैं अमिताभ बच्चन कैन अराउंड, एंड इट्स विजुअली ब्रेथ टेकिंग, इट्स विजुअली ब्रेथ टेकिंग। ये तीनों लड़के ये लड़की और बाकी सारे जो लोग हैं उस सीन में जो डांस कर रहे हैं बैकग्राउंड डांसर्स, वो लोग सब डांस कर रहे हैं एंड अमिताभ बच्चन ढोल सॉरी शाहरुख खान ढोल बजा रहे हैं, अमिताभ बच्चन वो टीका लगाए खड़े हुए हैं और उन लोगों का फेस ऑफ हो रहा है, इट्स ब्रेथ टेकिंग, इट्स एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। और ये सारी चीजें यार नए फिल्म मेकर्स नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नए फिल्म मेकर्स नहीं कर सकते। मोहब्बतें फिल्म विजुअल वाइज एक ब्रेथ टेकिंग फिल्म है, वाईआरएफ की फिल्मोग्राफी में जितनी भी फिल्म्स बनी है शायद ही कोई फिल्म होगी जो मोहब्बत से ज्यादा विजुअली ब्रेथ टेकिंग होगी, पीपल से चांदनी, पीपल से लम्हे वगैरह वगैरह वो भी ब्रेथ टेकिंग फिल्म्स हैं, लेकिन जितनी ब्रेथ टेकिंग मोहब्बतें हर फ्रेम फिल्म का खूबसूरत है, राइट। शाहरुख खान को जिसे में यहाँ पे स्वेटर डाला गया, राइट, शाहरुख खान के थोड़े से बाल सामने, शाहरुख खान को जो चश्मे पहनाए गए थ्रू आउट द फिल्म, शाहरुख खान लाइट कलर्स के क्लोथ वियर कर रहा है, राइट, वो हमेशा लाइट ब्लू पहन रहे हैं या यू नो व्हाइट पहन रहे हैं या क्रीम कलर की शर्ट पहन रहे हैं एंड ट्राउजर्स में है वो, राइट, थ्रू आउट द फिल्म इज इन ट्राउजर्स, राइट। ब्लैक कलर के कपड़े अमिताभ बच्चन ने पहने हैं जिनका थोड़ा सा दिखाया गया फिल्म की डार्क कैरेक्टर, वो विलन काइंड ऑफ फिल्म में यूटिलाइज हो रहे हैं, वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं, प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन, राइट, ये सारी चीजें ब्रेथ टेकिंग है। अभी तो फिल्म कैसी है नहीं है वो तो बात की बात है कि फिल्म कितनी अच्छी है फिल्म कितनी बुरी है वो इमोशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है नहीं करती है वगैरह वगैरह, बट अगर आप रैंक अगर आप सिर्फ पेपर पे देख लोगे इस फिल्म को, राइट, यू विल रियलाइज कि फिल्म इज ब्रेथ टेकिंग इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म। और फिल्म टर्न आउट कैसे होती है इवेंचुअली वो 3.5 घंटे का एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड करती है वो तो सेकेंडरी चीज है, वो तो सेकेंडरी चीज है। एंड एट द सेम टाइम फिल्म 3 घंटे 40 मिनट का रन टाइम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 घंटे 40 मिनट 3 घंटे 45 मिनट का रन टाइम है मोहब्बतें का। उस फिल्म में एक और कैरेक्टर होना था अमिताभ बच्चन के अपोजिट जो वायरा फेवरेट श्रीदेवी को ऑफर हुआ था, श्रीदेवी ने उस कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया था। देन अनदर वायरा फेवरेट माधुरी दीक्षित को कैरेक्टर ऑफर हुआ था, माधुरी ने भी उस कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया था। देन आदित्य चोपड़ा सेट की अगर श्रीदेवी नहीं करेंगी माधुरी नहीं करेंगी तो मैं उस कैरेक्टर को बाहर कर दूंगा, कैरेक्टर बाहर हो गया था। देन मिथुन चक्रवर्ती शेफाली शाह का हस्बैंड प्ले करने वाले थे वो कैरेक्टर भी बाहर हो गया था। तो इन एंड अराउंड आदित्य चोपड़ा ने 4 घंटे से ऊपर ही फिल्म शूट की होगी आई एम श्योर, राइट, और फिल्म कट शट के 3 घंटे 40 मिनट में रिलीज हुई है। लिटरली एक सीन ऐसा नहीं है फिल्म का जो आपको बोर करता है,
इस वे में ऑडियंस का टेंशन होल्ड करके रखना ये बहुत डिफिकल्ट काम है। ये वही लोग कर सकते हैं जो या तो इंडस्ट्री में पले बड़े हों या फिर यार वो इंडस्ट्री में अच्छे खासे धक्के खाए हुए हों और वो लिटरली डिटर्मिंड है फिल्म बनाने के लिए और वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, लगातार स्टडी कर रहे हैं, लगातार खुद के ऊपर काम कर रहे हैं और इस टाइप की फिल्म को ड्रॉ आउट करते हैं ऑन स्क्रीन, राइट। ये हमेशा हम देख के कह सकते हैं यार कि यू नो ये विजुअली अपीलिंग फिल्म बनाई जा सकती है, मतलब फैक्ट इसकी नहीं बनाया जा सकता, राइट। आदित्य चोपड़ा ने मोहब्बत में जो किया है वो कंप्लीटली ओरिजिनल वर्क है, वैसा वर्क कभी भी हिंदी फिल्म्स में विजुअली नहीं देखा गया था। आदित्य चोपड़ा ने आंख बंद करके उस चीज को कंसीव किया, देन पर्दे पे उसको ट्रांसलेट किया है एंड दैट्स विजुअली अपीलिंग, राइट। जितना भी मैंने बताया जो ओपनिंग और क्रेडिट सीक्वेंसेस है मोहब्बतें के, राइट, वो पूरा स्क्रीन आपका मेपल लीफ से सराउंड हो जाता है, सिर्फ हीरो का चेहरा दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट में, सिर्फ हीरोइन का चेहरा दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट में, देन एंड में कपल्स का चेहरा दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में, पूरा स्क्रीन आपका मेपल लीफ से घिरा जाता है, राइट। ओपनिंग और क्रेडिट सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेथ टेकिंग। जो मंदिर है फिल्म में, नारायण शंकर जी का जो मंदिर है वो शंकर भगवान का है, पूरे व्हाइट कलर का मंदिर है, ब्रेथ टेकिंग। देन राधा और कृष्ण का जो मंदिर है, शेफाली शाह जो इनकी भाभी प्ले करती है प्रीति जिंगियानी की, वो भी ब्रेथ टेकिंग है, राइट। अगर आप देखोगे जिस वे में पैरों में बंधन है गाने के बाद जो सीन ड्रॉ आउट होता है, जहाँ पे अमिताभ बच्चन मर्सिडीज से आ रहे हैं एंड शाहरुख खान की एंट्री अचानक से हो जाती है, एज एन ऑडियंस फील किया अब क्या होगा, अब क्या होगा, शाहरुख खान ढोल बजाते हुए आ जाते हैं, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें, वो इमोशनल हाई है, वो इमोशनल हाई है लिटरली। शमिता शेट्टी नॉवल पढ़ रही है, यू नो लव स्टोरी वाला, वो कैंडल लेके उस नॉवल को पढ़ रही है, सिर्फ कैंडल नहीं, कैंडल के ऊपर एक लैंप लगा हुआ है, वो लैंप की भी विजुअल एस्थेटिक वैल्यू है, राइट। शमिता शेट्टी के रूम में चार लड़कियों के बेड यहाँ लगे हैं, चार लड़कियों के बेड वहां लगे हुए हैं और बेड के ऊपर मॉस्किटो नेट्स लगे हुए हैं, मच्छरदानियां, व्हाइट कलर की मच्छरदानियां, राइट, ब्रेथ टेकिंग, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब अनुराग कश्यप साहब होते तो बोलते यार मच्छरदानी का क्या फर्क है, यू नो क्यों उस पर एक मिनट भी एक्स्ट्रा मेहनत की, चलो शूट कर देते, दैट्स द फिल्म मेकर्स थिंग, शायद मैं भी उसी पे सोचता, राइट। बट आदित्य चोपड़ा ने वैसा नहीं देखा, आदित्य चोपड़ा ने अगर बेड रखा है उस सीन में तो देखा यार कि बेड किस वे में ऐसे उस चीज को ऑर्केस्ट्रेट की जाए कि वो सबसे ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगे, और जिस वे में चारों लड़कियों के मॉस्किटो नेट इस साइड लगे हुए हैं, चारों लड़कियों के बेड में मॉस्किटो नेट इस साइड लगे हुए हैं, शमिता शेट्टी के उस रूम में जो फिल्म में दिखाया गया जो उसका हॉस्टल रूम है, राइट, वो ब्रेथ टेकिंग, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। और आदित्य चोपड़ा की फिल्म में है, आदित्य चोपड़ा की फिल्म में है किम शर्मा वाला सीक्वेंस जो मैंने बताया, किम शर्मा और सौरभ शुक्ला वाला सीक्वेंस, राइट, जहाँ पे सौरभ शुक्ला गाना शुरू करते हैं बॉबी फिल्म का, किम शर्मा उनको डांटती है, बॉबी फिल्म का एक डायलॉग बोलती है, सौरभ शुक्ला वहां से चले जाते हैं, देन अगेन जुगल हंसराज बॉबी फिल्म का ये गाना गाते हैं, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, अगर ये सारी चीजें आपको यू नो लिटरली आपके चेहरे पे स्माइल लेके आ जाती है, लिटरली आपको फुलफिलिंग फील करवाती है यार, और दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स यार। ये वही लोग कर सकते हैं, करण जौहर जैसे, आदित्य चोपड़ा जैसे, संजय लीला भंसाली जैसे लोग, यश चोपड़ा जैसे लोग, जो एट द वेरी लीस्ट सेकंड जनरेशन इनटू द बिजनेस, जिन्होंने इंडस्ट्री में चीजों को देखा कि चीजें कैसे ऑपरेट होती है, यू नो फिल्म मेकर्स किस वे में सोचते हैं, किस वे में कंसीव करते हैं, राइट। आप देख कैसे बोल सकते हो यार कि ये मैं भी कर देता, बट आप नहीं कर सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई लड़का पढ़ रहा होगा, यूपी में कोई लड़का बैठा है, मध्य प्रदेश में कोई लड़का बैठा है, इन चीजों को देखता बोलता है यार मैं भी कर सकता हूँ, नहीं, आप देख के कह रहे हो कि आप कर सकते हो, वो चीज आपने देख लिया, आप बोल रहे मैं भी कर लेता। आदित्य चोपड़ा ने उस चीज को कहीं देखा नहीं था, आदित्य चोपड़ा ने अपना आंख बंद किया था, उस चीज को कंसीव किया था कि फिर भी फिल्म में इसमें ओपनिंग क्रेडिट होगा, इसमें एंडिंग क्रेडिट होगा, वो विजुअली अपीलिंग है, मेरे फिल्म में इसमें मंदिर होगा, ऑल व्हाइट मंदिर, ऑल व्हाइट मंदिर, इंडिया में शायद ही कोई ऐसे मंदिर होगा यार जो सिर्फ व्हाइट में है, पूरा मंदिर की बाउंड्री व्हाइट में है, टाइल्स व्हाइट में है, भगवान जी की मूर्ति व्हाइट में है, नहीं, बट वो कन्विक्शन है आदित्य चोपड़ा की, उन्होंने उस वे में रखा है फिल्म को और फिल्म वहां पे अपीलिंग लगती है। पैरों में बंधन है गाने के बाद जो अमिताभ का फेस ऑफ होता है विद शाहरुख खान ढोलक बजा के आ रहे हैं यार, वो तो इमोशनल हाई, दैट्स द हाईलाइट ऑफ द फिल्म, दैट्स द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द फिल्म यार, वो इतना इमोशनली अपीलिंग है, आपको पागल कर देता है, आपको पागल कर देता है वो सीन यार, वो पैरों में बंधन है में जहाँ पे शाहरुख खान पीछे ढोलक लेके आते हैं, अमिताभ बच्चन यहाँ पे खड़े हुए हैं, देन अमिताभ बच्चन के और शाहरुख खान का फेस ऑफ होता है और बीच में सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, इतना विजुअली अपीलिंग है। You know, and I'm telling you this very honestly, शाहरुख खान 30 साल से इंडस्ट्री में, अजय देवगन 30 साल से इंडस्ट्री में, अक्षय कुमार 30 साल से इंडस्ट्री में, you know, अगर ये लोग खुद भी फिल्म्स बनाएंगे, खुद भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाएं, जितना पैसा बहाना है बना ले, ये लोग भी उतनी विजुअली स्ट्राइकिंग फिल्म नहीं बना सकते जितना आदित्य चोपड़ा ने मोहब्बतें बनाया, इट्स अ गिवन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान जो इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं, वो लोग भी नहीं बना सकते, बिकॉज इस टाइप की फिल्म को विजुअली इस वे में ट्रीट करना कि ऑडियंस पागल हो जाए और आपकी फिल्म स्टैंड कर जाए टेस्ट ऑफ टाइम्स को, वो बहुत डिफिकल्ट काम है, वो एक आर्टिस्ट, एक ट्रू आर्टिस्ट ही कर सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकॉर्डिंग टू मी वो वही लोग होंगे यार जो इंडस्ट्री में पले बड़े हैं या एट द वेरी लीस्ट इंडस्ट्री में धक्के खाए हुए, राइट। आदित्य चोपड़ा ने घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए आदित्य चोपड़ा इसे कर पाए, you know, hats off to Aditya Chopra, hats off to Aditya Chopra, Mohabbatein film, visually, I don't think ki YRF mein koi bhi film Mohabbat se zyada visually appealing hai, Mohabbatein film is the most appealing Yash Raj films that Yash Raj has ever produced in the history, definitely, chalo, bye.